नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मातृकलाल। 150 गांव 150 खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर पाली के देसूरी से, जहां सरपंच संघ ने सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। दरअसल मामला बड़ौत से अंदर और थलाना से कड़वा तक सड़क के शिलान्यास से जुड़ा हुआ है। इसमें पीडब्ल्यूडी के अय्यन ने सरपंचों को आमंत्रित ही नहीं किया। खास बात यह है, शिलान्यास पट्टी पर स्थानीय सरपंच का नाम भी लिखा है। इस उपेक्षा के बारे में सरपंच संघ ने तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा है। बाड़मेर में गुडा मलानी के बारासन गांव में दो हिरणों का शिकार किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी फायरिंग कर फरार हो गए। पुलिस ने 3-4 किलोमीटर तक आरोपियों का पीछा किया और रेत में दबे दो हिरणों के शव बरामद किए। बाड़मेर जिले के शिव में हॉस्टल में चोरी का आरोपी जेल भेज दिया गया। आरोपी ने हॉस्टल की खिड़की तोड़कर कमरे में से मोबाइल चोरी किया था। बाड़मेर के धोरीमन्ना में टांके में डूबकर विवाहिता की मौत के मामले में हत्या का शक जताया गया है। पति सास और ससुर पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया है। विवाहिता की शादी को 10 महीने ही हुए थे। अब पीहर वालों ने दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है। डूंगरपुर जिले के भंडारा भांदर गांव स्थित स्कूल का एसडीएम ने निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने छात्रों की क्लास लेकर उनका शैक्षिक स्तर जांचा। एसडीएम ने विद्यार्थियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और जल्दी समाधान का भरोसा भी दिया। डूंगरपुर जिले के धम्बोला से महीनों पहले लापता हुए बच्चे को पुलिस ने ढूंढ निकाला। उसे एमपी के बैतूल से तलाश कर परिजनों को सौंपा गया। डूंगरपुर जिले के ग्राम पंचायत खेड़ा कछवासा को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया। इस मौके पर गांव में गौरव यात्रा निकाली गई। इसमें ग्रामीणों से सफाई रखने और खुले में शौच नहीं जाने की अपील की गई। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के प्रेरकों को सम्मानित भी किया गया। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा में करावड़ा रोड पर एक टेम्पो बेकाबू होकर पलट गया। घायल टेम्पो ड्राइवर को सीमलवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया। झालावाड़ जिले की आवर ग्राम पंचायत में जीरास्ता न्यूज की खबर का असर हुआ। यहां आंगनबाड़ी केंद्र के पास गंदगी की सफाई शुरू हो गई है। दरअसल यहां आंगनबाड़ी केंद्र के आसपास गंदगी फैली हुई थी, इससे यहां आने वाली गर्भवती महिला और बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा था। हमने 150 गांव 150 खबर में इस गंदगी की परेशानी का समाचार दिखाया था। समाचार देखने के बाद 2 दिन का सफाई अभियान चलाया गया। झालावाड़ जिले के खानपुर के 3 गांवों में सड़कों की हालत सुधरेगी। 5-5 लाख रुपए की लागत से यहां खंडजा और इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा। काम गार्डर बना नूरजी शूजपुर और गुलांग में करवाया जाएगा। सांसद दुष्यंत सिंह ने सांसद कोष से इसका ऐलान किया। झालावाड़ जिले की अकलेरा पंचायत समिति के गड्डा गांव में बिजली के झूलते तार खतरनाक हो गए हैं। इनसे हर वक्त दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। हाल यह है कि बिजली के तार जमीन से सिर्फ 5 फीट ऊंचाई पर लटक रहे हैं। ऐसे में यहां से गुजरने वाले लोग कभी भी करंट की चपेट में आ सकते हैं। ग्रामीणों ने कई बार तारों को ऊंचा करने की गुहार भी लगाई, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। झालावाड़ जिले के पागारिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बनी सड़क कीचड़ और गंदगी से बदहाल हो गई है। सड़क पर चलना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने सरपंच से सड़क सुधरवाने की गुहार लगाई। इस पर सरपंच ने पीडब्ल्यूडी का मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया। बूंदी जिले की ग्राम पंचायत हिंडोली की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एबीवीपी की ओर से संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें संगठन के छात्र नेता और स्कूल के छात्रों ने हिस्सा लिया। बूंदी जिले के बल्लोक गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में तालेडा स्टेम ने छात्रों की क्लास ली। एसडीएम ने छात्रों को शिक्षक की तरह पढ़ाया और इस दौरान स्कूल में शिक्षा का स्तर भी जांचा। एसडीएम ने शिक्षकों से शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली तो शिक्षकों ने स्कूल से हाईवे के बीच होने के खतरे के बारे में भी बताया। बूंदी जिले की ग्राम पंचायत दबलाना में उप तहसील भवन बनकर तैयार है, लेकिन यह भवन उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान नई बिल्डिंग की तरफ नहीं है। ऐसे में उप तहसील ऑफिस पुरानी जर्जर बिल्डिंग में ही चल रहा है। पुरानी बिल्डिंग में जगह कम होने से स्टाफ और ग्रामीणों को परेशानी होती है, लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा के चलते नए भवन का उद्घाटन नहीं हुआ है। बूंदी जिले की ग्राम पंचायत लीलेड़ा व्यासान के ग्राम साथीली में पिछले कई दिनों से ग्राम पंचायत में लगाई गई सौर ऊर्जा वाली लाइटें खराब पड़ी हैं।
बूंदी जिले की ग्राम पंचायत लीलेड़ा व्यासान के ग्राम साठेली में पिछले कई दिनों से सौर ऊर्जा वाली लाइटें खराब हैं। कई बार ग्रामीणों ने इसकी शिकायत सरपंच से की, लेकिन लाइट चालू करने को लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई। श्रीगंगानगर जिले के गांव खैरोवाला में मकर संक्रांति पर नगर कीर्तन निकाला गया। इस मौके पर गुरु की महिमा का बखान किया गया। पूरे गांव में रास्तों पर लोगों ने कीर्तन कर स्वागत किया। यहां लोगों ने कीर्तन का स्वागत किया और श्रद्धालुओं ने कीर्तन के आगे आगे सफाई की। श्रीगंगानगर जिले के घटसाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 8 के एनडी मुख्यालय की गलियों में गंदगी भरी पड़ी है। धूल और गंदगी के कारण आवागमन बाधित होता है और लोगों गलियों से आने जाने से भारी परेशानी होती है। यहां लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। गलियों में लगे गंदगी के ढेर से स्थानीय लोगों में बीमारियों के प्रकोप का डर बना हुआ है। श्रीगंगानगर जिले के रायसेन नगर में धोखे से जमीन हड़पने का मामला सामने आया। बुजुर्ग ने अपने भाई और भतीजों पर नशीली चाय पिलाकर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। श्रीगंगानगर जिले के रावला मंडी में शहीद स्मारक पर पोस्टर चिपकाने का विरोध हो रहा है। छात्र संगठन एसएफआई ने पोस्टरों को हटवाने की मांग की। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने रावला थानाधिकारी को इस बारे में ज्ञापन दिया, साथ ही पोस्टर लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ पंचायत समिति के गांव 24 एमडीए के एक किसान ने बैंक का लोन चुकाए बिना ही ट्रैक्टर बेच दिया। किसान के खिलाफ बैंक प्रबंधक ने आपराधिक मामला दर्ज कराया। आरोप है कि किसान ने ना लोन चुकाया और न ही ब्याज की राशि भरी। बयाना जिले में अटरू से दो सगी नाबालिग बहनों को भगाकर ले जाने का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर एक बहन से शादी कर दूसरी को बेचने के आरोप है। आरोपी को चूरू से गिरफ्तार किया गया। वो यूपी के मुरादाबाद का रहने वाला है। आरोपी के साथ दोनों बहनें मजदूरी करती थीं। कोर्ट ने आरोपी को 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। बारा में जिला प्रभारी मंत्री बाबूलाल वर्मा ने जिला सभागार में अधिकारियों की बैठक आयोजित की और विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ली। वहीं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की जानकारी दी गई। इस दौरान जिला कलेक्टर और विधायक समेत बीजेपी के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बारा जिले के छबड़ा में एक महिला को झांसा देकर लाखों की ठगी और दुष्कर्म के आरोपी तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पहले भी कई लोगों को झांसा दे चुका है, साथ ही कई जगहों पर तंत्र मंत्र के माध्यम से लोगों से ठगी कर चुका है। बयाना जिले के बांसथूनी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कई रास्तों पर सीसी रोड नहीं होने से गंदगी से लोग परेशान हैं। वहीं गंदगी और कीचड़ के कारण लोगों को निकलने में भी भारी परेशानी हो रही है, साथ ही बीमारियों का डर भी बना रहता है। कई बार पंचायत प्रशासन से कीचड़ से निजात दिलाने की मांग करने के बाद भी ग्राम पंचायत इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। बयाना जिले के हीरपुर गांव में हाईवे पर होने के बावजूद भी गांव में रोडवेज बसों का ठहराव नहीं होता, जिससे यहां के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं कई बार रोडवेज प्रबंधन से गांव के लोगों ने बसों के ठहराव की मांग की, लेकिन रोडवेज प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। इसको लेकर ग्रामीणों में रोष है। बांसवाड़ा जिले के घाटों से गुजर रहे नाले में इन दिनों गंदगी का अंबार लगा है। पूरे नाले में झाड़ियां उगाई हैं और नाला कचरे से भरा पड़ा है। गंदगी से भरे नाले के कारण पूरे इलाके में बदबू आ रही है, जिससे लोगों का वहां रहना मुश्किल हो रहा है। लोगों ने कई बार सरपंच से लेकर विधायक को जानकारी दी, लेकिन आज तक नाले की सफाई नहीं हो पाई, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष है। बांसवाड़ा जिले के खमीरा गांव में तालाब पर दबंग लोगों ने अतिक्रमण कर लिया और वहां पर खेती कर रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के खमेरा गांव में दबंगों के साथ अतिक्रमण के साथ ही तालाब का पानी भी रिसाव के जरिए निकल रहा है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बांसवाड़ा जिले के घाटोल में स्कूल में विज्ञान मेले का आयोजन हुआ।
विज्ञान मेले में छात्रों ने कई उपकरण भी बनाए। स्कूल में लगाई विज्ञान प्रदर्शनी को भी छात्रों ने देखा। सिरोही जिले के दांतराई के मेघवाल वास ने रोड लाइट भी अतिक्रमण के शिकार है। यहां घर की चारदीवारी बनाकर रोड लाइट पर कब्जा कर लिया है। यहां लोगों ने इसकी शिकायत बीडीओ से की। बीडीओ ने मौके पर पहुंचकर कब्जा हटाने के निर्देश दिए। सिरोही जिले के जीरावल स्मारक मामले में अधिकारियों ने दौरा कर पूरी जानकारी ली। सीआरपीएफ के अधिकारी और स्थानीय पुलिस ने स्मारक का दौरा किया। शहीद के परिजनों से सरकारी सहायता के बारे में विस्तृत चर्चा की। अधिकारियों ने प्रधान और सरपंच को भी मौके पर बुलवाकर जानकारी ली। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और शहीद के परिजन मौजूद रहे। जयपुर जिले में बस्ती के चार गांवों में बंद किए गए खनन को फिर से शुरू करने की मांग हो रही है। लीज धारकों ने इस बारे में एसडीएम को ज्ञापन दिया। लीज धारकों ने कहा है कि 15 साल से खनन जारी है और नियम पालन के साथ प्रदूषण विभाग से एनओसी भी ले रखी है। लीज धारकों का कहना है कि खानों में मजदूर काम करते हैं, खान बंद होने से उनके लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। जयपुर में जंबारामगढ़ की ग्राम पंचायत खबरानी में 33 भूमिहीन किसानों को प्रशासन की उदासीनता की वजह से उनका हक नहीं मिल पाया। इन्हें करीब 40 साल पहले अलॉटमेंट कमेटी ने खेती के लिए जमीन दी थी। इस 105 बीघा जमीन पर प्रभावशाली लोगों ने कब्जा किया हुआ है। किसानों ने अधिकारियों से लेकर मंत्री तक गुहार लगाई। मंत्री के आदेशों के बाद भी इस जमीन को मुक्त नहीं करवाया जा सका। जयपुर के कोटपूतली में इन दिनों पार्किंग को लेकर अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। पूरे दिनभर शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है। वाहन चालक बाइक और कार नो पार्किंग जोन में खड़ा कर देते हैं, जिससे व्यापारियों के साथ आमजन को भी जाम से परेशानी हो रही है। जयपुर जिले के रेनवाल में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ाई हुई है। यहां दिनभर सड़कों पर जाम लगा रहता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। दिनभर जाम लगा रहने के बाद भी प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं ले रहा। कस्बे में बढ़ती वाहनों की संख्या और जाम से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने कई बार पुलिस के आला अधिकारियों से यातायात कर्मी बढ़ाने की मांग की, लेकिन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहा। जयपुर जिले के सवाई माधो सिंहपुरा में विवेकानंद जयंती युवा सप्ताह की शुरुआत की गई। पहले दिन विवेकानंद की जीवनी पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। वहीं जयपुर जिले की चैप्टर में युवा महोत्सव के आयोजन में पीजी महाविद्यालय में कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कोटा जिले के पिपलदा में नाला इन दिनों ग्राम पंचायत की अनदेखी का शिकार हो रहा है। यहां गंदगी के ढेर लगे हैं। पानी की निकासी के लिए बने नाले के लंबे समय से साफ सफाई नहीं हुई। गंदगी से भरे नाले से लोगों को बदबू का सामना करना पड़ता है। कोटा जिले के पिपलदा में खेल मैदान भी अतिक्रमण का शिकार है। यहां 50 बीघा जमीन पर बने लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। यहां लाखों रुपए खर्च हुए स्टेडियम का निर्माण करवाया गया था, लेकिन वो भी देखरेख के अभाव में जर्जर हो चुका है। ग्रामीण ने खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने की मांग की, साथ ही स्टेडियम की मरम्मत करने के लिए अधिकारियों से भी मांग की गई। करौली जिले के मंडाबरा में गुर्जर समाज की बैठक हुई। बैठक में देवनारायण जयंती के कार्यक्रम को लेकर बातचीत हुई। यहां 15 फरवरी को देवनारायण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए घर घर जाकर पीले चावल देने का निर्णय लिया गया। कोटा जिले के सुल्तानपुर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। पूर्णाहुति पर सुदामा चरित्र प्रसंग की झांकियां सजाई गई। कथा में ग्राम पंचायत की ओर से गौशाला के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। धौलपुर जिले के ओंडेला गांव में अखिल भारतीय ब्राह्मण आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक हुई। धौलपुर पंचायत समिति के शेरगढ़ गांव में किले के प्राचीन मंदिर में सुंदरकांड का आयोजन किया गया। धौलपुर जिले के सैपोई में कर चोरी के मामले में सरसों के तेल से भरी गाड़ी पकड़ी गई। सेल्स टैक्स विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की।
सरसों के तेल से भरी गाड़ी पड़ोसी राज्य यूपी की तरफ जा रही थी। ड्राइवर के पास जरूरी कागजात नहीं होने से उसे जब्त किया गया। खड़गपुर जिले के सैपोई में स्थित गर्ल्स कॉलेज में विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें भी स्वामी विवेकानंद के जीवन पर चर्चा की गई। करौली के नादौती में राजीव गांधी कॉलेज में युवा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। करौली के मंत्रालय में आरोग्य राजस्थान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाया गया। शिविर में 97 ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की गई। इसमें से 10 मरीजों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया। इस दौरान सीएमएचओ ने अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण भी किया। उन्होंने अस्पताल में सफाई इंतजाम और मेंटेनेंस के काम का जायजा लिया। करौली के मानसरपुर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में लालटेनों का वितरण किया गया। इसमें 364 छात्राओं को एलईडी लालटेन बांटी गई। करौली के मानसरपुर में इन दिनों सैकड़ों की तादाद में आवारा गौवंश घूम रहा है। भटकते गौवंश से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। इसके साथ ही इस गौवंश के लिए चारे की समस्या है। लोगों ने गौशाला की मांग करते हुए प्रशासन को ज्ञापन दिया। प्रतापगढ़ में जाजली गांव में लगातार गायों की मौत हो रही है। गायों की रहस्यमय मौत की वजह का पता नहीं लग पाया है। अब तक क्षेत्र में 50 गायों की मौत हो चुकी है। ऐसे ग्रामीणों में भय है और वे अपना पशुधन बंद करके रख रहे हैं। प्रतापगढ़ के अरनोद में पानी की सप्लाई के इंतजाम बिगड़े हुए हैं। ऐसे में लोग पीने के पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। सप्लाई सुधारने के लिए लोगों ने एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन दिया। इंतजाम दुरुस्त नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। खबर प्रतापगढ़ से, जहां बारावर्दा गांव में इन दिनों बिजली की सप्लाई लगातार ठप हो रही है। बिजली की आंख मचौली से लोग खासे परेशान हैं। बिजली नहीं होने से गांव में बैंक का काम भी प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों को छोटे मोटे काम के लिए जिला मुख्यालय आना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बिजली की सप्लाई दुरुस्त करने की मांग की है। रोष में ग्रामीण आंदोलन की चेतावनी तक दे रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले के राठौड़ों का सेमलिया गांव का नायब तहसीलदार ने दौरा किया। नायब तहसीलदार ने बच्चों से कई सवाल पूछे और शिक्षा के स्तर की जांच की। प्रतापगढ़ जिले के धरियावत की करमोई नदी में भीड़ लग गई। नदी में अचानक पैसे निकलने की खबर पर लोग नदी पर पहुंचने लगे। नदी पर स्थित पुलिया के नीचे कचरे के ढेर में पैसे मिलने लगे। नोट गले हुए थे लेकिन कुछ नोट सही थे, उन्हें लोग लेकर चले गए। झुंझुनू जिले के ठेगाल में इन दिनों उपभोक्ता पखवाड़ा चल रहा है और इस दौरान राशन वितरण जांच के लिए एडीएम दौरा करने निकले। गांव में उचित मूल्य की दुकान पर गड़बड़ी भी सामने आई। राशन डीलर को आवंटित गेहूं का रिकॉर्ड ही नहीं मिला। राशन डीलर की पीओएस मशीन की जांच की गई। एडीएम ने डीएसओ को राशन डीलर पर कार्रवाई के निर्देश दिए। झुंझुनू के भनौदा गांव में रक्तदान शिविर और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। झुंझुनू जिले के सारी गांव में विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस मौके पर गांव यूथ क्लब का भी गठन किया गया। यूथ क्लब को गौवंश बचाने के लिए शपथ दिलाई गई। इस मौके पर गांव के 5 युवाओं को सम्मानित किया गया। झुंझुनू के आबूसर में 14 से 20 जनवरी तक शेखावटी हस्तशिल्प और पर्यटन मेला लगेगा। मेले में पहुंचने के लिए दूर रोडवेज बसों की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई है। झुंझुनू के सीतसर के 2 स्कूलों में स्वेटर वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। टोंक जिले की मालपुरा पंचायत समिति क्षेत्र में कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार दोनों युवक घायल हो गए। 108 एम्बुलेंस की सहायता से दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस थाने में किसी भी पक्ष ने मामला दर्ज नहीं करवाया। टोंक जिले के पीपलू में जी मीडिया की खबर का एक बार फिर असर हुआ। यहां बीसलपुर योजना के खराब पड़े पॉइंट्स को सुधारा गया। टोंक पंचायत समिति के पीपलू ग्राम पंचायत क्षेत्र में राधा किशनपुरा गांव में बीसलपुर पेयजल योजना खराब पड़ी हुई थी।
ग्रामीणों को लंबे समय से पीने के पानी की समस्या हो रही थी, अब लोगों को समस्या से निजात मिल गई है। टोंक जिले की ग्राम पंचायत सोप में सरपंच पर राजनीतिक बेशतक आरोप लगा है। यहां ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं मोहल्लों में नियमित सफाई नहीं कराने और सर्दी में गहराए पेयजल संकट से ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। टोंक जिले के अलीगढ़ ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों की कमी है। अर्धवार्षिक परीक्षाएं नजदीक हैं और शिक्षकों की कमी के कारण पाठ्यक्रम भी पूरा नहीं हो पाया। छात्रों ने कई बार प्रदर्शन कर विरोध भी जताया, लेकिन शिक्षा विभाग और जनप्रतिनिधियों ने छात्रों की नहीं सुनी। टोंक जिले के चंदलाई में विकास कार्य लंबे समय से ठप है। एनएचएक टूला परिसर गांव इन दिनों जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का शिकार है। सरपंच ने कई बार पंचायत समिति को पत्र लिखा, लेकिन ग्राम पंचायत क्षेत्र में विकास का कोई काम नहीं हो रहा। ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदन कर भेजे गए एक दर्जन से ज्यादा विकास कार्यों की स्वीकृति नहीं मिल पाई है, जिससे सीसी सड़क, नया हैंडपंप और भवन निर्माण नहीं हो पा रहा। दौसा जिले के बांदीकुई में राजेश पायलट कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन हुआ। दौसा जिले के सिंहवाड़ा गांव का अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने दौरा किया। जिले के 23 स्कूलों में इस कार्यक्रम के तहत अधिकारी स्कूल में पहुंचे और छात्रों से बातचीत कर छात्रों को बढ़ाया। वहीं छात्रों को अधिकारियों से पढ़ने का मौका मिला और साथ ही अधिकारियों से पढ़ाई के महत्व की जानकारी ली गई। दौसा जिले के टोडा ठेकला ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। सांसद हरीश मीणा ने इसकी घोषणा की। 2018 तक दौसा जिले को खुले में शौच मुक्त घोषित करने का लक्ष्य है। अजमेर जिले के पिस्सांगन क्षेत्र के अमरगढ़ गांव का अतिरिक्त जिला कलेक्टर पिस्सांगन कार्यवाहक के एसडीएम ने दौरा किया। गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने स्वच्छ भारत अभियान में भागीदार बनने का आह्वान किया। अजमेर जिले के पिस्सांगन बस स्टैंड, मेवाड़िया रोड, गोविंदगढ़ रोड में प्रशासन ने अवैध कब्जे को हटाकर कच्चे पक्के अतिक्रमण को हटाया। अजमेर जिले के नसीराबाद रामसर मार्ग पर गंदे पानी से लोगों को परेशानी हो रही है। सड़क पर गंदगी से आए दिन लोगों में झगड़े होते हैं। यहां खड़े लोग वाहनों के निकलने पर कीचड़ में हो जाते हैं। गंदे पानी की निकासी और नाली निर्माण के बारे में कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। नागौर जिले के खजवाना के किसानों ने फसल बीमा कंपनी के बीमा क्लेम नहीं देने के विरोध में आंदोलन का ऐलान कर दिया। खजवाना के आसपास हुई फसल खराबी को लेकर बीमा कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए। इस पर खजवाना के किसानों ने गुवाड़ क्षेत्र में बैठक कर फसल बीमा क्लेम पर चर्चा की और फसल क्लेम के साथ सरकार से फसल खराबी को लेकर जल्द मुआवजा देने की मांग की। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।